तो दोस्तों, इस वीकेंड पर अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी मूवी हेलो चार्ली रिलीज कर दी है, जिसका आप लोगों को भी शायद बहुत टाइम से इंतजार होगा। तो उसी की आज हम रिव्यू लेकर आए हैं आपके लिए। ट्रेलर गजब का था, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं थी। लग रहा था कि ये मूवी बहुत धमाल करेगी, लेकिन क्या ये धमाल कर पाएगी? क्या ये ट्रेलर जितना अच्छा था, क्या मूवी भी उतनी अच्छी है? तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं। तो आपको जो मूवी का अगर ट्रेलर के अकॉर्डिंग आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो जितना आपको ट्रेलर अच्छा लगा था, शायद मूवी उतनी अच्छी ना लगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मूवी इतनी खराब भी नहीं है कि आप इसको देखते देखते बोर हो जाए। हाँ, अकेले देखोगे तो जरूर हो सकते हो बोर हो जाए, फैमिली के साथ देख सकते हो। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। आदर जैन जो नए कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग सही है, ज्यादा सुपर नहीं है, लेकिन खराब नहीं है, आपको अच्छी लगेगी, उन्होंने अच्छा काम किया है। जैकी श्रॉफ ठीक ठाक लगते हैं, ज्यादा उनके लिए काम करने वाला नहीं था, लेकिन जो गोरिल्ला है वो आपको बढ़िया लगेगा। उनका उसका डांस वगैरह बीच बीच में है, तो डांस है और कुछ कॉमेडी सीन्स हैं, तो वो आपको अच्छे लगेंगे। और राजपाल यादव एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर भी ठीक ठाक ही लगे हैं। तो कुल मिला के जो कास्ट है वो ठीक है। जैकी श्रॉफ का मुझे इतना पसंद नहीं आया काम, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हाँ, गोरिल्ला का काम अच्छा है, कॉमेडी ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छी नहीं है कि आप हमेशा हंसते रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं आपको हंसी जरूर आएगी। शुरू में आधा घंटे की मूवी सही बनती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाती है। हालांकि मूवी का जो टाइमलाइन है वो पहले ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको ज्यादा देर तक बांधे रखने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आप इसको टाइम निकाल के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इतनी खराब भी मूवी नहीं है कि बिल्कुल ही देखने लायक नहीं है या आप सर पकड़ लो, ऐसा नहीं है। आप इस मूवी को आप देखिए। और स्टोरी लाइन की मैं बात कर लेता हूँ। स्टोरी लाइन क्या है कि एक जो बिजनेसमैन है जो बैंक का लोन लेकर भागना चाह रहा है देश से, और उसके लिए वो एक जो गोरिल्ला की ड्रेस है उसका इस्तेमाल करता है, और आदर जैन उनकी हेल्प करते हैं जो कि एक नए कलाकार हैं। राजपाल यादव भी इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इसी जर्नी में वो थोड़ा कॉमेडी आती है या थोड़ा फाइट भी है, तो इसी टाइप से मूवी चलती रहती है। और लास्ट में क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इससे ज्यादा इसमें रिव्यू करने के लिए कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब हम बहुत फटाफट आपको जेन्युइन रिव्यू लेकर आने वाले हैं। ओके, बाय।